हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे यूटेंसिल्स के बारे में जो अपने किचन में सबसे पहले आप खरीद के रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी हेल्दी कुकवेयर्स हैं वो काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं अपने किचन के लिए। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ और कुछ ऐसे यूटेंसिल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके किचन में बिल्कुल मैंडेटरी है और लखनऊ लोकल्स 100% इसको रिकमेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीतल या कह सकते हैं मिश्र धातु की कढ़ाई। ये अलग अलग जगह इंडिया के हर जगह के आसपास में ये बनती हैं और बहुत सारे लोकल मार्केट में आपको ये मिल जाएगी। हर जगह में कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन का अंतर आ सकता है, किसी मेटल का ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है, किसी मेटल का कम हो सकता है, बट मिला जुला के अगर आप इसको कुकिंग करेंगे, इसमें कुकिंग करेंगे तो ये समझ के चलिए कि एल्युमिनियम से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा हेल्दी होती है और साथ ही साथ काफ़ी हद तक आपको हेल्थ बेनिफिट भी देखी जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इसमें दो प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगर इस टाइप की कढ़ाई आप परचेज करना चाह रहे हैं तो। लोकल मार्केट में मिलेगी, कुछ प्रिकॉशंस हैं और कुछ चीज़ें है जो ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कढ़ाई का वजन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये कढ़ाई जो है ये ढली हुई कढ़ाई नहीं है, है शीट की कढ़ाई, बट ये काफी मोटी शीट में है। लगभग इसमें 2.8 mm की थिकनेस है, जिसकी वजह से कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और साथ ही साथ कुकिंग के टाइम पे इसमें खाना जलता नहीं है। दूसरा प्रिकॉशन इसमें ये रखना जरूरी है, एक कढ़ाई आती है बहुत ज़्यादा भारी होती है और ढले हुए मेटल की होती है, तो उस कढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से ही लीजिएगा, क्योंकि वो कढ़ाई जो होती है ढली हुई उसमें कहीं इधर उधर के भी लेड एड भी मिक्स हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ साथ एक प्रिकॉशन और देना होता है, कभी भी इसमें इस मेटल में अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के टाइम पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इसमें खाना रखना नहीं होता। इसमें जब भी कुकिंग हो जाए तो निकाल के दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक इस टाइप की गिलेट की या इस टाइप की मिश्र धातु की कढ़ाई आप जरूर रखिएगा और रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेटल की, जो हम कह सकते हैं बटवी। जैसे कि जनरली क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं अपने कुकिंग को या थोड़ा सा कुकिंग का आपके पास शौक है तो कुछ इस टाइप के नीम वुड स्पैचुलर्स आपको द इंडस वैली में मिल जाएंगे और लखनऊ लोकल्स का कोड लगाने के बाद आपको ये 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिल जाता है। हालांकि ये लोकल मार्केट में भी काफी अच्छी तरीके से ये आपको मिल सकते हैं। इसमें इस टाइप की बटवी आती है जिसका वजन थोड़ा सा ज्यादा हेवी होता है और ये जो बटवी होती है ये जनरली नॉर्थ इंडिया में अगर कहा जाए तो यहां पे ये दाल बनाने के बहुत काम आती है। और जैसे कि जोड़ों में दर्द है या काफी जब भी आप टच कराते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि कभी भी दाल ढंग से मतलब अच्छे से पक नहीं पाती, थोड़ी थोड़ी फटने लगती है एक तरीके से अगर आप देखें। बट जब भी आप इस टाइप की बटवी में अगर आप दाल कुक करेंगे तो इसका स्वाद अलग आएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से पकेगी और दाल के ऊपर का जितना भी झाग होता है वो अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुकिंग के टाइम पे और सही तरीके से कुकिंग की वजह से हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो दाल खाने का जो बेनिफिट है वो बटवी में ही पकाना चाहिए और एक दो बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और दूसरी चीज़ है इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इस टाइप के बर्तन आप लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है और साथ ही साथ आपका कह सकते हैं कि 60% पैसा तो ऐसे ही आपका वापस हो जाता है, साथ ही साथ जितनी बार आप कुकिंग करते हैं उतना ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इस टाइप की बटवी भी आप ले सकते हैं जिसमें दाल हो गया, राइस हो गया, सूप हो गया, कोई भी चीज़ आप लिक्विड से लेके हर एक चीज़ आप इसमें बना सकते हैं और बनाने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी लाजवाब होता है और खाना बनाने का मन भी करेगा। तो दूसरा मैं अगर यूटेंसिल आपको रिकमेंड करूँगा तो इस टाइप की बटवी को रिकमेंड करूँगा और विद स्पून अगर आप चाहें तो वुडन यूज़ करते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपके लिए दो तरीके की स्पून आपको दी हुई हैं। एक है दाल वाल या लिक्विड आइटम चलाने के लिए जो कि जनरली हम भगोने में चलाते हैं, कढ़ाई में भी थोड़ा बहुत अगर लिक्विड है तो आप ग्रेवी वाला आइटम है तो आप चला सकते हैं, नहीं तो बटवी में भी इस टाइप का होता है। इसका वजन बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा क्योंकि चलाने में थोड़ा आसानी हो, जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड पीस लिया है जिसका वजन ज्यादा नहीं है और जितना वजन लगभग अच्छी स्टील में होता है उतना ही वजन इसमें है, तो जिसकी वजह से इसको चलाना, इसको यूज करना महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। और इसी के साथ साथ कुछ इस टाइप के, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दोनों स्पून बहुत ज्यादा सर्विंग स्पून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इस टाइप के दोनों स्पून हर तरीके के मल्टीपर्पज यूटिलिटी में यूज हो जाते हैं, इसके भी वजन बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भगोने के बारे में। देखिए, कभी भी दूध उबालना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो पीतल के भगोने में बहुत अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से उबलते हैं और स्वाद ही अलग आता है। अगर इस टाइप के पीतल के बर्तन में अगर आप चाय बनाते हैं तो भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस टाइप का पीतल का बर्तन ज़रूर आपके घर में होना चाहिए, पुराने ज़माने में आपके घरों में ज़रूर मिलता होगा, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द और बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आजकल आप नॉर्मल 40-45 एज में आप
फेस कर रहे हैं वो इश्यूज पहले देखिए 60-70 साल लोगों को नहीं होते थे, वो इसी वजह से होते थे क्योंकि यूटेंसिल काफ़ी ज़्यादा रिच क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के होते थे। तो ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा बहुत पैसा आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है तो ज़रूर आग बंद करके लगाइए और अच्छे यूटेंसिल खरीदिए जो कि हेल्दी होते हैं। देखिए भगोना जनरली आपको काम देगा हर तरीके के लिक्विड चीज़ को उबालने में और यूज़ करने में। तो भगोने का साइज़ जनरली आप 1 लीटर से लेकर 5 लीटर तक ले सकते हैं, जनरली मीडियम साइज़ ले लीजिएगा। जैसे ये भगोना आपको 3 लीटर कैपेसिटी का आराम से इसमें यूटिलिटी आप कर सकते हैं और यही कॉमन स्पून भी इसमें ही काम आ जाएंगे। तो मैं आज आपको जो आज वीडियो में मेरा बताने का जो इंटेंशन था वो ये था कि अगर आप प्लान कर रहे हैं हेल्दी यूटेंसिल लेने के लिए तो प्लान में सबसे पहले अपने आप को माइंड सेट कर लीजिएगा कि एक भगोना, एक कढ़ाई और एक बटवी, ये 3 आइटम आप आराम से परचेज कर सकते हैं जिसकी वजह से 90% कुकिंग आपकी इस टाइप के यूटेंसिल और हेल्दी यूटेंसिल्स में हो सकती है। अगर मुझे एक अच्छी कंपनी मिलती है तो इस वीडियो के नीचे इसका बाय लिंक मैं आपको दे दूंगा, खरीदने का लिंक, जिससे ऑल इंडिया आप इन यूटेंसिल्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपको लोकल मार्केट में भी एक बार आप जरूर सर्च कर लीजिएगा जहां पे आपको इस टाइप के यूटेंसिल्स मिल सकें और जरूर अपने घर ले आइएगा इस टाइप के यूटेंसिल्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और कुकिंग में एक नया एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।